Today we are going to learn hierarchical mode for image compression. So hierarchical mode में आप lossy DCT based algorithm और lossless compression technique कोई भी आप use कर सकते हैं. तो hierarchical mode क्या कहता है? The input image is coded as a sequence of increasingly higher resolution frames. The client application will stop decoding the image when appropriate resolution image has been produced. So इसकी मीनिंग क्या है कि आपका कोई इमेज है और उसका रेजोल्यूशन है x क्रॉस y, ठीक है. जैसे आप लेते हो 1024 x 720, ठीक है. तो इस रेजोल्यूशन का जब आपने FDCT फॉरवर्ड DCT ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्वांटाइजेशन किया, एनकोडिंग किया और इमेज आपको जनरेट हुई, ठीक है. तो इसको आप कैसे करोगे? जब आपको हायरार्किकल मोड यूज करना है तो आप लोअर यानी ना सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंगली हायर रिजोल्यूशन फ्रेम हमें यूज करना है. तो आप हमने एक्स क्रॉस वाई रिजोल्यूशन को एक फैक्टर 2n से डिवाइड कर किया और जो आपका इमेज जनरेट हुआ उसको कंप्रेस किया. फॉर एग्जाम्पल आपका इमेज जनरेट हुआ i1. फिर नेक्स्ट टाइम इसको फैक्टर 2n-1. तो आपका इमेज कंप्रेस इमेज जनरेट हुआ जैसे i2, ठीक है. जब फैक्टर 2n-1 की मीनिंग क्या है कि आपने जो फर्स्ट फैक्टर दिया था उसमें मल्टीप्लाई 2 किया, मतलब उसका रिजोल्यूशन आपने इंक्रीज किया है. तो और ये आप रिजोल्यूशन इंक्रीज कब तक करते जाओगे? जब तक आपको ओरिजिनल रिजोल्यूशन की इमेज का कंप्रेशन ना करना हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल इसको IN इमेज मिला. सो अब जब आप इस इमेज को आप कंप्रेस करते हैं तो आपको बहुत सारे कंप्रेस्ड इमेज मिल रहे हैं, तो इसके लिए आपको सफिशियंट स्टोरेज भी रिक्वायर्ड होता है हायरार्किकल मोड में. और जब इसमें डिकोडिंग आप परफॉर्म करेंगे, तो जब भी आप डिकोडिंग परफॉर्म करेंगे और आपको रिकंस्ट्रक्टेड इमेज जनरेट करना है तो उसमें क्या होगा कि जो डिफरेंट रिजोल्यूशन पे आपको कंप्रेस्ड इमेज मिला है उसको डिफरेंट आपको रिकंस्ट्रक्टेड इमेज होगा. अब वो रिकंस्ट्रक्टेड इमेज जैसे ही आपको डिजायरेबल रिकंस्ट्रक्टेड इमेज मिल जाएगा तो आप डिकोडिंग वहीं स्टॉप कर देंगे. सो दिस इज हायरार्किकल मोड. आप एक रिजोल्यूशन की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाते हैं, लोअर से स्टार्ट करते हैं और उसकी वैल्यू इंक्रीज करते आप उसे कंप्रेस करते हैं और उसके बाद डिकोडिंग करके रिकंस्ट्रक्टेड इमेज जनरेट करते हैं. और इसमें आप लॉसी डीसीटी बेस्ड एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं और लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं जिसमें प्रेडिक्शन मेथड यूज होता है. Thank you.